फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ दोस्तों, आज है हमारा 21st डे ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों बहुत कुछ सीखा हमने अभी तक, लेकिन सफिशियंट कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, लैंग्वेज सीखने के लिए जितना भी सीख लें, जितना भी आप इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को बोल लें, उतना ही हमें कम लगता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंटेंस मेकिंग की। From last couple of days, we are learning how to make sentences and how to use different words in the sentence. दोस्तों आज देखेंगे कि किसी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं। जी हाँ exactly. हमारी स्पीकिंग की जो कुछ पहली वीडियो थी, तो दोस्तों हमने उसमें देखा था कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल सिंपल वे होता है। आज हम समझेंगे कि क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ और होता है। तो जी हाँ एग्जैक्टली, आप सभी जानते हैं कि बहुत कुछ होता है। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या हम यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर लास्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की 21st वीडियो, क्योंकि इंग्लिश तो बोलनी ही है। तो दोस्तों देखते हैं कि सेंटेंस को हम और आगे कैसे बनाते हैं। आइए, So, as we can see guys, that these are the adjectives in a sentence. जी हाँ exactly. दोस्तों ये हैं adjectives in a sentence, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कैसे use करते हैं हम adjectives को sentences में, right? आइए मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होते हैं adjectives. दोस्तों number one, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि adjectives क्या होते हैं, और फिर समझेंगे कि use कैसे किए जाते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव्स सेंटेंसेस के वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं। एग्जैक्टली, जो नाउन की विशेषता बताएं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक लड़का ले लिया, मैंने कहा बॉय, राइट? और मैं आपसे कहूं कि वो लड़का कैसा है, वो लड़का ब्लैक है, तो मैंने आपसे कहा ब्लैक बॉय। तो ब्लैक बॉय जो है वो लड़के की विशेषता है, ब्लैक। तो भाई लड़का कैसा है, लड़का ब्लैक है, तो ब्लैक बॉय, राइट? मैं आपसे कहूँ उसी के लिए अ स्मार्ट बॉय, लड़का कैसा है, लड़का स्मार्ट है। तो बॉय की जो क्वालिटी है वो उसकी स्मार्टनेस से दिखाई, स्मार्ट बता रहा है कि बॉय स्मार्ट है। बॉय कैसा था, बॉय ब्लैक था। इज इट क्लियर? ऐसे ही किसी गर्ल के लिए अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है, ब्यूटिफुल है, ये उसकी क्वालिटी है। तो दोस्तों क्वालिटी मीन्स, द मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज जो किसी को क्वालिफाई करे, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताएं। तो ऐसा ही हम देखेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं। दोस्तों एक बात तो सिंपल सी है, मैंने ये जैकेट पहन रखी है, ये जैकेट ब्लू इन कलर है, तो मैं क्या कहूंगा, जैकेट ब्लू या ब्लू जैकेट? जी हाँ एग्जैक्टली, ब्लू जैकेट। तो इसका मतलब एक तो सिंपल आ गया कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं। आप कोई भी एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो आपको नाउन से पहले यूज करना है। मैं आपसे कहूं मार्कर ग्रीन, जी नहीं ये गलत है, मैं नहीं कह सकता आई हैव मार्कर ग्रीन, नो, आई हैव अ ग्रीन मार्कर। इस मार्कर की क्वालिटी है कि मार्कर ग्रीन है, तो ग्रीन इसकी क्वालिटी हुई, तो ये हुआ ग्रीन मार्कर, राइट? तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि एडजेक्टिव जब नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो वो नाउन से पहले रखे जाते हैं, राइट? दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे नंबर वन है अ ब्यूटिफुल गर्ल डांस्ड। एग्जैक्टली दोस्तों, अ ब्यूटिफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की ने डांस किया। टेंस कौन सा है, अभी हम जब टेंस का चैप्टर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप बस गौर करेंगे एडजेक्टिव पे। अ ब्यूटिफुल गर्ल डांस्ड, मैं आपसे पूछूं इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप में से जितने लोग कह रहे हैं कि गर्ल एडजेक्टिव है, वो गलत हैं। दोस्तों यहां एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, क्यों? क्योंकि गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। ये लड़की कैसी है, ये लड़की सुंदर है, तो सुंदर लड़की, इट मींस ये गर्ल की क्वालिटी है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो मैं लिख सकता हूं और मैं कह सकता हूं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एंड गर्ल जो है वो नाउन है। नाउन क्या होते हैं, नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नेम, किसी थिंग, कोई वस्तु, ये सब नाउन कहलाती है। तो दोस्तों गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है, तो ब्यूटीफुल गर्ल
ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। नंबर सेकंड मैं आपसे कहूं दैट ब्लैक कैट म्यूज, वो जो काली बिल्ली है वो म्याऊ करती है, म्यूज तो म्याऊ करती है। यहां मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव क्या है, तो दोस्तों एडजेक्टिव बिल्ली कैसी है, बिल्ली काली है, ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो गया, ब्लैक एडजेक्टिव हो गया जी, एग्जैक्टली। और एडजेक्टिव क्यों हुआ, यह मैं रटना नहीं है, एग्जैक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि कैट जो है वो नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्लैक, इसलिए ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर थर्ड है दोस्तों, माई यंगर सिस्टर सिंग्स, मेरी छोटी बहन गाती है, माई यंगर सिस्टर सिंग्स, तो मेरी बहन कैसी है, बड़ी है या छोटी है, मेरी बहन छोटी है। तो दोस्तों सिस्टर को मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यंगर, जी हाँ एग्जैक्टली। यहां एडजेक्टिव केवल ब्यूटीफुल और ब्लैक ही नहीं हो सकते, एडजेक्टिव तो कुछ भी हो सकते हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करें, किसी इंसान को या वस्तु को क्वालिफाई करें, तो यहां पे यंगर क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव। क्यों, मेरी बहन कैसी है, मेरी बहन छोटी है, यंगर है, एडजेक्टिव हो गया। तो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, सिस्टर को क्वालिफाई कर रहा है। तो मेरा बताने का मतलब आपको यहां पे ये है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, सिस्टर से पहले यंगर, कैट से पहले ब्लैक, गर्ल से पहले ब्यूटीफुल, राइट एवरीबॉडी। आइए नंबर नेक्स्ट एग्जांपल, हिज पुअर ब्रदर स्लीप्स, उसका जो पुअर ब्रदर है वो स्लीप्स, वो सोता है। तो हिज पुअर ब्रदर, आप कह सकते हैं कि उसका जो गरीब भाई है वो क्या करता है, वो सोता है, हिज पुअर ब्रदर। तो दोस्तों यहां ब्रदर कैसा है, ब्रदर जो है वो पुअर है, तो पुअर क्वालिटी हो गई एडजेक्टिव और ब्रदर नाउन हो गया, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है पुअर, इसलिए हम कहेंगे पुअर एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, सम नॉटी बॉयज केम, सम नॉटी बॉयज केम, कुछ शरारती लड़के आए। तो भाई लड़के कैसे हैं, लड़के शरारती हैं, तो नॉटी, नॉटी हो गया दोस्तों एडजेक्टिव और बॉयज हो गया नाउन। इज इट क्लियर। तो हमने दोस्तों ये समझा कि किसी भी नाउन को जब कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो वो उससे पहले आता है ना कि बाद में। मैं ये कभी नहीं कह सकता अ गर्ल ब्यूटीफुल डांस, नहीं नहीं नहीं, एक लड़की सुंदर डांस किया, ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज और वी हैव टू यूज अ ब्यूटीफुल गर्ल डांस, एक सुंदर लड़की ने डांस किया। सेम मैं नहीं कह सकता दैट कैट ब्लैक, दैट कैट ब्लैक कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर। हां मैं ये जरूर कह सकता हूं दोस्तों, यदि मैं एडजेक्टिव यूज ना करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं आपसे दैट कैट म्यूज, वो जो बिल्ली है वो म्याऊ करती है, बिल्ली की आवाज होती है म्याऊ, तो बिल्ली म्याऊ करती है। अब यहां पे एडजेक्टिव मैंने यूज नहीं किया, मेरी मर्जी भाई, मैंने नहीं यूज किया, इट मींस आपकी भी मर्जी है, आप किसी को क्वालिफाई नहीं कराना चाहते, आपका सोचना यह है कि भाई इसमें कोई विशेषता है ही नहीं, तो आप सिंपल नाउन बनाइए। तो आप कह सकते हैं कि दैट कैट, आपने सिंपल नेम रख दिया, आपने नाम लिखा और आपने वर्ब लगा दी, तो दैट कैट म्याउज एंड दैट्स इट। इज इट क्लियर। तो एडजेक्टिव नहीं है। अब यदि मुझे यहां पे एडजेक्टिव लगाना है तो मुझे पहले यह जानना पड़ेगा कि बिल्ली कैसी है। तो मैंने कहा भाई बिल्ली गरीब बिल्ली है, गरीब, तो मैं कहूंगा दैट पुअर कैट। बिल्ली काली है तो दैट ब्लैक कैट। तो बिल्ली जैसी भी है तो आपको फिर उसके आगे एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल दिया है हम लोगों ने, ये एग्जाम्पल इसी का लिया है कि कैसे एडजेक्टिव को हम नाउन के आगे लगाते हैं, या फिर आप बिना एडजेक्टिव के भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपसे कहूं माई यंगर सिस्टर सिंग्स, तो यहां पर यंगर जो है वो सिस्टर को क्वालिफाई कर रहा है, तो मैं ये नहीं लिख सकता, यदि मैं लिखना चाहूं My sister younger sings. No, it's wrong. It's totally wrong, guys. It's a blunder. हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो younger है ये sing को qualify नहीं कर रहा। यहाँ तो दिक्कत हो गई। हम भाई adjective noun को qualify कराते हैं, तो यहाँ पे noun तो sister है, जिस
व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा है, उस व्यक्ति के आगे आना चाहिए। तो यंगर गलत प्लेस हो गया है, हमें प्लेस करना था सिस्टर से आगे। तो सेंटेंस बन जाएगा माई यंगर सिस्टर सिंग्स, ना कि माई सिस्टर यंगर सिंग्स। इज इट क्लियर? तो या तो यहां से आप एडजेक्टिव हटा ही दें, और यदि लगाना है तो आप सिस्टर से पहले लगाएं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये कहलाते हैं एडजेक्टिव। कैसे हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का, ठीक है? आप इससे बड़े से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, और गाइस ये छोटे से छोटे सेंटेंसेस हैं। तो ये हमारी जो आज की दोस्तों क्लास है वो स्पेशली केवल इसीलिए है कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज कैसे किया जाता है। नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू राइट डाउन वन सेंटेंस, एटलीस्ट वन सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव्स इन योर सेंटेंस, राइट? यूजिंग एन एडजेक्टिव इन योर सेंटेंस, यू हैव टू राइट डाउन अ सिंगल सेंटेंस टू मी। Is it clear everybody? So that's it for today, दोस्तों। आज फिनिश करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्पीकिंग की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।